नियम बनते ही हैं शायद टूटने के लिए, ये हम नहीं बल्कि एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम, जिसमें मिर्जा का ये डायलॉग था। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था कि अगर आपको सिस्टम को बदलना है तो पहले खुद आपको सिस्टम बनना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ हालात इस वक्त बिहार में के हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव पे। बीते कुछ हफ्ता पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी आरा से, जहां शौचालय बनाने के लिए केंद्र ने तो पैसा भेज दिया, लेकिन उस पैसे का गमन कर दिया गया और गमन करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी गांव के मुखिया थे। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो लोग सड़क किनारे या खेत में शौच कर रहे हैं उन्हें पुलिस हड़का रही है और पकड़ भी रही है। पकड़ने के साथ साथ उनसे उठक बैठक करके माध्यम से उन्हें दंड देते हुए एक राग गुनगुनवा रही है। वो राग है कि ना शौच करेंगे सड़क पर और ना किसी को करने देंगे। जल्दी बैठा, कान धरो कान धरो, अन्नत जेल ले चलिए शिकार। अब बाहर कभी नहीं हगेंगे। मनवाएगा ना आप लैट्रीन, तत्काल बाहर हगा है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि जब केंद्र से एक पैसा चलकर आया था शौचालय बनने के लिए, तो क्या उस पैसे से शौचालय बना? और अगर बना तो फिर लोग क्यों सड़क पर है? क्या सरकार ने इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए क्या एक सोशल मॉनिटरिंग करी, जिसके तहत पता चल सके कि शौचालय बना, और बना तो कितने बड़े पैमाने पर बना? और अगर बना तो क्या जो एक ढांचा होना चाहिए शौचालय के लिए वो सही है? क्या जो प्रक्रिया से शौचालय बनाई जाती है वो सही है, या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम उस शौचालय का है वो सही है? शायद नहीं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आज भी देहात के लोग सड़क पर और सड़क के किनारे, साथ ही साथ खेत और खलिहान में शौच कर रहे हैं। केंद्र से तो पैसा आया था शौचालय बनने के लिए, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वाकई में शौचालय बना या नहीं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज भी महिलाएं शौच के लिए घर से बाहर जा रही हैं, क्योंकि जो शौचालय बना है वो सही रूप से नहीं बना, उसका ढांचा इतना कमजोर है कि लोग वहां जाने से डरते हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं शौचालय को लेकर, जिसमें शौचालय तो होता है लेकिन उसमें दरवाजा नहीं होता, और अगर दरवाजा होता है तो कुंडी टूटी हुई होती है। ऐसे में अगर देहात की महिलाएं उस शौचालय में शौच के लिए जाएं तो कितना सेफ होगा, ये आप जनता तय करें। और भी नए खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज बिहार पे। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।